ये गड़ियाबंद में आदिवासी कमार भुंजिया के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विभाग के कुछ अधिकारियों ने कमार भुंजिया को जमीन आवंटित करने के नाम पर भारी अनियमितताएं की और करोड़ों का के वारी न्यारे कर दिए। हितग्राहियों को जमीन मिली ही नहीं, फिर जिन लोगों को मिली वो कृषि लायक नहीं है। और कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने जानकारी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेकर 4000 पन्नों का शिकायत पत्र कलेक्टर को सौंपते हुए जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं भुजिया और खमार, उनको जमीन रजिस्ट्री की गई उनके नाम पर फर्जी ढंग से रजिस्ट्री की गई है। बड़ेयाड़ का जंगल बेच दिया गया है उन्हें। आज तक जिन लोगों के नाम से रजिस्ट्री की गई उन्हें जमीन नहीं मिली। 170 रजिस्ट्री बिना नक्शा खसरा के रजिस्ट्री हो गई। 24 रजिस्ट्रियों में स्टाम्प पेपर ही नहीं लगा है। इसमें अधिकारी से लेके रजिस्ट्रार ऑफिस से लेके जमीन की दलाली करने वाले सभी लोग शामिल हैं। कमार भुजिया जो प्राधिकरण है उसके तहत पहले जमीन की खरीदी हुई है। जो भूमिहीन जो पीटीजी हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति जो कमार भुंजिया जनजाति है, उसके नाम से जमीनों का खरीदे हैं, तो इसमें काफी फर्जीवाड़ा होने की शिकायत प्राप्त हुई है। इसकी जांच में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की टीम बना दिया हूँ। लगभग 15 से 20 दिन में पूरी जाँच। गड़ियाबंद के कुंजेल